नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता को शराब के नशे में धुत एक सभासद ने अपने दो साथियों के साथ मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाकू से ताबड़तोड़ कई बार कर लहूलुहान कर दिया। हमलावरों ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता के पेट, हाथ व चेहरे पर लगभग चाकुओं के 8-10 वार किए हैं। ककोड़ में सांप्रदायिक तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है तथा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हमले के मुख्य आरोपी सभासद को गिरफ्तार कर लिया है और फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। घायल को नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका सफल ऑपरेशन होने की खबर है। सुखपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है, क्या कुछ घटनाक्रम है? कल रात में पूर्व में हुई किसी बात को लेकर के नफीस नाम के एक व्यक्ति ने राहुल को पे चाकू से वार किया था। उसको यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल से उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ और इलाज चल रहा है। जो घटना में सम्मिलित अभियुक्त था उसको सतत प्रयास करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, हिंदू जागरण मंच के लोगों में भी भारी रोष देखा जा रहा है, तो किस तरह की उन्होंने मांग रखी है और क्या कुछ आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया है? नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी की मांग रखी है और हमने उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है और बाकी जो बातें हैं जो उसकी जाँच करा कर। सर, परिवार में गए थे, आप क्या आश्वासन दिया? परिवार के लोगों से कल से मेरी बात हो रही है। परिवार के लोगों का ये मांग थी कि उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसमें लगातार हम लोगों ने समग्र प्रयास करके उसकी गिरफ्तारी कर ली है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमले के पीछे की प्राथमिक जांच में कुछ पता चल पाया सर, हमले के पीछे क्या वजह थी? प्राथमिक जांच में किसी दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में ये दोनों पक्ष भी नहीं थे, ना मारने वाला था ना जिसको लगी है विक्टिम जो है उसको भी, दोनों पक्ष नहीं, लेकिन उसी बात को लेकर के ये दोनों आपस में भिड़ गए और इस प्रकार हम कर। मैम, यहाँ ककोड़ में एक जो है चाकू मारने की घटना हुई है, क्या अपडेट है इसमें? गिरफ्तारी की, आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई के लिए? कल रात्रि में एक चाकूबाजी की घटना कस्बा ककोड़ में हुई थी जिसके संबंध में कल रात में ही अभियोग पंजीकृत हो गया था और जो उसका मुख्य आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी हिंदू संगठन के लोग जो है पंचायत कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं और उनकी मांग? गिरफ्तारी के संबंध में उनकी मांगे थी जो उनको अवगत करा दिया गया है कि मुकदमे में गिरफ्तारी हो चुकी है।